छोटे फॉर्मेट के मैच होते हैं, एक ओवर काफी होता है पूरे मैच को पलटने के लिए। अब देखना है कि वो ओवर भैया हरे राम राम, आप और देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी, और इससे तौर पर जैसा कि आप और जाने दो को बुंदेली चुगली भैया कोनो खबर नहीं छोड़ वो चाहता अपने दर्शकन के लाने, लेकिन इस बार ओवर अपने दर्शकन का हर खबर हम पहुंचा वो चाहत के भैया घर बैठ के हमारे दर्शक आनंद ले सके। वही क्रम में भैया अब हमने एक खबर दुखद खबर दिखाई थी, लेकिन अब हमने सोचो कि तनक कछु और हट के खबर दिखाएंगे, जिसे भैया ने कहा हमारे तनक कछु मन से उदासी दूर हो तना उन्हें कछु हंसी खुशी को मौका मिले। तो भैया वही सिलसिला में जो है पेपटेक टाउन सिटी, पेपटेक टाउन का हो भैया नौगांव रोड पे है, जो बिल्डर्स है नीरज भैया, इनको ग्रुप है बहुत बड़ो, तो ये हमेशा कछु न कछु ये ग्रुप के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम यूएन के लाने कोनो सांस्कृतिक मंच है कछु भी है जो भैया ऐसे कार्यक्रम करत रहा। ये ग्रुप की जब विशेषता है कि जे दिखाऊ थे ऐसे कार्यक्रम, वही सिलसिला में इनको हर साल जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजन हो, इस साल भी इन्हें क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजन करो है। भैया दोनों टीम सामने हैं आपके, हम तनक देर में सब कछु आप एक एक करके दिखवा भी है, देखो कौन कौन अतिथि है, अनाउंसमेंट में को है भैया टीमें कहाँ कहाँ की है, किनके बीच में मुकाबला है और टीमें कहाँ की है, जो पूरा वृतांत जो कछु भी है बुंदेली चुगली में आपका सीधो घर बैठ के देखने भर है। और भैया खबरें कैसी लगती जो भी बताओ तनक हमें सिखाओ भैया, तुम्हें और उनको चैनल आए, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, तुम्हारा चैनल तुम्हें खा देखने, तुम्हें खा आगे बढ़ाने, तुम्हें खा सबका दिखाने देखने करने हैं। भैया एक क्रम में यह खबर है, देखो अब हम शुरुआत कर रहे आपका एक एक अतिथि देखवाए हम मंच में, को बिराजू अनाउंसमेंट में को है भैया, अनाउंस जो अनाउंसर में को है, सारी टीम हम दिखा रहे। तो भैया लो अब देखो आप जो लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली को सीधो प्रसारण देखो, क्रिकेट मैच को आनंद लो सभी जने, पेपरेक टाउन से नौगांव रोड पे है भैया, बहुत बड़ा टाउन है जो बहुत बड़ा मतलब एक कस्बा जी का टाउन को मतलब तो कस्बा ही हो तो कस्बा ही आया, पूरी इतनी बड़ी कॉलोनी है जा, और बहुत बड़ा ग्रुप है जो। तो देखो भैया जब लाइव प्रस्तुति क्रिकेट को आनंद लो सभी जने, पर जो पिछली बाउंड्री आई उस पे कहीं ना कहीं रामजी 35 प्लस का वो जो एज का है वो देखने को मिला, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। और हमारी जितने भी जो इनामों की घोषणा हो रही है, और एक बहुत अच्छी शुरुआत पेप्टेक ग्रुप के द्वारा राम जी की गई है, जो भी इनाम की घोषणा होगी उसमें 50% कट के जो बाल स्थिति के रहे जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जाएगा। तो ये एक बहुत शानदार तरीके से नए नए चीज़ें जो अपनाई गई हैं पेप्टेक ग्रुप के द्वारा, उसमें से एक अहम चीज़ है कि आपका 50% कट के उन बच्चों के लिए जाएगा, तो एक बहुत अच्छी प्रयास है वहां पे ग्रुप और उनके साथियों का। बिल्कुल, और जब ये टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही थी, अभी उद्घाटन हो रहा था, शुरुआत हुई थी, तो आपने देखा था कि बच्चों को वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था हमारे छतरपुर रेंज के डीआईजी साहब महोदय ने, उन बच्चों को सम्मानित भी किया था। तो एक नई पहल जो है, नई शुरुआत है, और ऐसे ही शुरुआत जब की जाती है तो लोगों के मन में भी एक नया भाव उत्पन्न होता है उनकी सेवा करने का, उनको कुछ जो भी हम सहायता कर सकते हैं उनकी सहायता करने का। निश्चित तौर पर विनय भैया का जो ये एक नया सोच है वो हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण यहाँ पर पेश किया है हमारे विनय चौरसिया जी और कैप्टन ग्रुप ने। और अच्छी बात, कहीं ना कहीं जिस पार्टनरशिप की आवश्यकता थी वो पार्टनरशिप लगती हुई श्री राम क्रिकेट क्लब के लिहाज से हम देखा जाए, 3 विकेट जल्दी खो दिए थे, उसके बाद अब वहाँ पे एक पार्टनरशिप लग रही है। और जब पार्टनरशिप लगती है तो थोड़ी बहुत मिस फील्ड भी देखने को मिली है छतरपुर राइडर्स की ओर से, और जो 35 प्लस की हम बात कर रहे थे वो उम्र का कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा चालू है वो देखने को मिला था। तो वो जो मेलजोल होगा ना धीरे धीरे के 35 प्लस के जो पुराने खिलाड़ी हैं और जो
युवा खिलाड़ी हैं, इनका जो मेल जोल होगा वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों से नए युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के नया युवा जो खिलाड़ी है वो आक्रामक खेल को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और निश्चित तौर पर वो देखने वाली बात होगी कि क्या वही अंदाज कुछ पुराने खिलाड़ियों का भी रहता है, या कुछ अपने पुराने स्टाइल में भी वो मैच को ये खेल को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी खसर को लगे करके गेंदबाजों के द्वारा बिजली का आगमन हुआ है, क्योंकि पुलिस कप्तान का आगमन हुआ था तो वैसे ही चली गई, बर्दी का मौसम होता ही लाइव चल रही होता है, जैसे ही उनका आगमन हुआ बिजली गई और उनका घर बिजली आ गई। तो वो सब चीजें हैं, हम स्वागत करते हैं छतरपुर पुलिस कप्तान आदरणीय सचिन शर्मा जी का। जो दिसंबर माह में एक शानदार शुरू हुई थी उसकी वो जीता है, और आज उद्घाटन समारोह में आनंद बजे काफी सब छतरपुर राइडर्स और श्री राम मंदिर मिला जा रहा है। उद्घाटन समारोह में बेहतरीन शॉट, और निश्चित तौर पर जो मैं एक बार बताना चाहूंगा साहिल के लिए और सभी दर्शकों के लिए की तुम्हारी जी की तरफ से प्रत्येक शक्ति के लिए रणजी सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे साहिल।
और पहली बॉल में जब विकेट गिरा था उसके बाद भी अपना मनोबल डाउन नहीं किया, नेचुरल क्रिकेट खेलते रहे। एक समय न केवल पार्टनरशिप लगाई और जब मौका मिला है लंबे लंबे शॉट खेल रहे हैं तो लाजवाब बल्लेबाजी, और जो भी उन्होंने कलाइयों के सहारे जो शॉट खेले हैं दर्शनीय शॉट रहे हैं। अब तक जितनी युवा बल्लेबाज है इसके तौर पर, जो भी मैं बात कर रहा था धीरज आपसे कि युवा बल्लेबाज और जो हमारे 35 प्लस के पुराने खिलाड़ी है एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, इस बार उठाया है गेंद हवा में है, देखना है खिलाड़ी उसके नीचे और यहाँ पर कैच जो है 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का, छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज तरुण के बल्ले से, तो दूसरा छक्का इस ओवर का तरुण के बल्ले से निकलता हुआ, पहला छक्का जो था वो साहिल के बल्ले से निकला था और अब यहां पर तरुण ने भी शुरुआत कर दी है आक्रामक शॉट खेलने की। ओवर की समाप्ति होती हुई, नौ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्रीराम क्रिकेट क्लब का। और अब थोड़ा सा नई शुरुआत होते हुए आखिरी ओवर में कुछ आक्रामक शॉट आकर्षक दर्शनीय शॉट देखने को यहां पर मिलते हैं। और माइक्रोफोन पर मौजूद हैं अंकुर यादव जी। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। पुराण बाबू जो मैदान पर अभी भी आए हैं उनको बता दें कि ये छतरपुर का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट आज से शुरू हो गया है और पहला मुकाबला छतरपुर राइडर्स और श्रीराम क्रिकेट क्लब के बीच खेला जा रहा है। छतरपुर का पहला कॉर्पोरेट क्रिकेट जिसमें तमाम छतरपुर के कॉर्पोरेट जगत के क्लब एक प्रमोटर के तौर पर तमाम टीमों के साथ जुड़े हैं और इस टूर्नामेंट में 35 प्लस फॉर्मेट पर यह आयोजन किया जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि छतरपुर पुलिस अधीक्षक जो कि खुद एक क्रिकेट लवर है और इस टूर्नामेंट पर मुकाबला खेल चुके हैं, वो पधार चुके हैं, हम स्वागत करते हैं मैदान पर उनका। बैटिंग ग्रुप के डायरेक्टर विनय चौरसिया जी से आग्रह है कि वो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इस आयोजन में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए पधारे छतरपुर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा दो और अतिथि जो ताजा जुड़े हैं हमसे बैटिंग ग्रुप की ओर से, मैं चाहूंगा चंद्रशेखर तिवारी जी का आग्रह उनका स्वागत करें। चंद्रशेखर तिवारी जी जो इस टूर्नामेंट के सह प्रायोजक हैं, हमारा हौसला हमेशा बढ़ाते हैं, क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, खेल गतिविधियों को प्रमोट करते हैं। सपना चौरसिया जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। सपना चौरसिया जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस नेत्री हैं और तमाम ऐसे आयोजनों में हमेशा हमारा सहयोग करती हैं, उनका भी बहुत स्वागत है मैदान पर। तो छतरपुर क्रिकेट राइडर और श्रीराम क्रिकेट क्लब के बीच ये उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है। कुछ देर पहले डीआईजी विवेक राज सिंह की मौजूदगी में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया था, पहली पारी चल रही है और 53 रन का स्कोर श्रीराम क्रिकेट क्लब कर चुकी है। खूबसूरत मुकाबला इस मैदान पर आज के उद्घाटन अवसर पर खेला जा रहा है। कुछ ही पलों में हम छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा जी को इस आयोजन से जोड़ेंगे और उनके उद्गार भी सुनेंगे। आपको बता दें प्रतीक्षाएं इस मैच का सीधा प्रसारण अपने तमाम डिजिटल फॉर्मेट पर कर रहा है। आप अपने मोबाइल पर प्रत्येक टाइम के यूट्यूब चैनल पर इस टूर्नामेंट का 3 कैमरों के साथ सीधा प्रसारण देख सकते हैं। जो दर्शक इस वक्त मैदान पर नहीं है वो भी इस टूर्नामेंट का आनंद अपने मोबाइल पर कहीं भी बैठकर ले सकते हैं। पहली दफा हमने कोशिश की है कि छतरपुर के खिलाड़ियों को एक स्टार के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, उनके रिकॉर्ड्स को दिखाया जाए, उन शहरों को एक नाम ख्याति दी जाए ताकि वो क्रिकेट के प्रति और जुड़े और क्रिकेट का और आगे विस्तार छतरपुर के लिए हो सके, छतरपुर की प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच मिल सके।
इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने सहयोग किया है और वो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े ताकि ये टूर्नामेंट कॉर्पोरेट की शक्ल ले सके। जिस तरह से आईपीएल में होता है, हमने कोशिश की है कि उसी तरह से इस टूर्नामेंट में छतरपुर के तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाए और हर टीम के साथ एक प्रमोटर शामिल रहा है। भगवशरण अग्रवाल छतरपुर राइडर्स के प्रमोटर हैं, अमरीश जर्सिया प्रमोटर हैं। चलिए घोड़ा सवार की समाप्ति पर क्या तो दोस्तों खत्म हो चुके हैं। छोटी सी प्रक्रिया मंच पर मैं चाहूंगा छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा जी उस ट्रॉफी को अपने हाथों में लेकर कुछ खूबसूरत तस्वीरें हमें यादों के रूप में उपलब्ध कराएं जो ट्रॉफी इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को मिलने जा रही है। 1,00,000 रुपए का पुरस्कार और ये खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी। मैं चाहूंगा इस ट्रॉफी के साथ जिस तरह डीआईजी विवेक राज सिंह साहब की कुछ तस्वीरें हमें मिली, उसी तरह छतरपुर पुलिस अधीक्षक की भी कुछ खूबसूरत तस्वीरें हमें उपलब्ध हों। ये वो ट्रॉफी है जो इस टूर्नामेंट के विजेता को मिलेगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें लगातार रोमांचक मुकाबले खेलेंगी और फाइनल की ये ट्रॉफी जिसके साथ 1,00,000 रुपए की नामी राशि उस टीम को मिलेगी। बहुत शुक्रिया। और अब मैं सीधे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से चाहूंगा कि इस आयोजन पर दर्शक को भी सम्मानित मंच आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग यहाँ पर आए, हम आज यहाँ पर हैं उस पूरी टीम को पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए जाना जाता है। और सामान्य तौर पे जब 1 महीने पहले क्रिकेट मैचेस मीडिया ऑफिस के बीच में हुए थे तो वो भी लगभग प्रदेश स्तरीय थे, अच्छे अच्छे होना वाकई में मुश्किल है। और आज आपने जो लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें एक एक टीम ने आपने बड़ा सोच समझ के कुछ 35+ के प्लेयर रखे हैं, कुछ युवा रखे हैं, तो एक्सपीरियंस और जो आपका यूथ है दोनों का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। और मैं ये चाहूँगा कि जो आयोजन है हर साल इसी तरीके से होता रहे और स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है जिले के लोगों का, जिले के बाहर के लोगों का हमेशा बढ़ता रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इंस्टिट्यूट करते हैं, अनुशासन लाते हैं जीवन में और हमेशा आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो जीवन भी यही है कि लगातार अपने अंदर सुधार लाते रहें और अच्छा इंसान बनते रहें। सर बहुत शुक्रिया। जब भी आप जैसे अधिकारी क्रिकेट को, खेलों को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित तौर पर उस जिले में खेलों के प्रति लोगों का झुकाव, युवाओं का झुकाव बढ़ता है और खेलों की तरक्की होती है। मैं अब सीधे कमेंट्री बॉक्स को जोड़ूंगा इस मैच के सीधे प्रसारण का सीधा हाल सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई। तो खेल आपको एक अच्छा इंसान बनाता है ऐसा मानना था हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय सचिन शर्मा जी का। इस बीच एक और गगनचुंबी हिट, लगातार 3 बाउंड्री और उसके बाद एक गगनचुंबी हिट यहाँ पे तरुण के बल्ले से लाजवाब बल्लेबाजी और जो 3 लगातार चौकों के लिए 2100 रुपए का नगद पुरस्कार है और वो भी तरुण के खाते में जाता हुआ था। रोमांच अंत में हो रहा है। रामजी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में आपका। धन्यवाद धीरज और बहुत ही शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली और इसी के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर श्री राम क्रिकेट क्लब के